मैहर के मां शारदा मंदिर के पूर्व प्रधान पुजारी देवी प्रसाद के निधन के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। पूर्व प्रधान पुजारी देवी प्रसाद को श्रद्धांजलि देने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके निवास पहुंचे। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि देवी प्रसाद जी ने धर्म और अध्यात्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मां शारदा मंदिर के पूर्व प्रधान पुजारी देवी प्रसाद को श्रद्धांजलि देने मैहर पहुंचे। वीडी शर्मा ने देवी प्रसाद के निवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधान पुजारी देवी प्रसाद ने धर्म और अध्यात्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। आपको बता दें कि मैहर में भाजपा नेता वीडी शर्मा और अन्य भाजपा नेताओं का रोड शो और जनसभा होना था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। वहीं इससे पहले वीडी शर्मा ने मां शारदा के मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वीडी शर्मा ने कहा कि मुझे मां का आशीर्वाद मिला है, इस बार मध्य प्रदेश में फिर भाजपा ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कुंभम महाराज के बड़े भाई जिन्होंने मैहर में मध्य प्रदेश में देश के अंदर धर्म अध्यात्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच आज नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने सारे रोड शो और सारे कार्यक्रमों को रद्द किया। अभी उन्हें श्रद्धांजलि देकर के मैं यहां से निकल रहा हूं। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवारजनों पर, उनके अनुयायियों पर, जो लाखों लाख उनके अनुयायी है पूरे देश के अंदर, उनको भी भगवान उनको संबल दे। और आज मैं चुनाव के अंतिम दौर में मैंने माँ का आशीर्वाद लिया है और माँ का आशीर्वाद मिला है, इस बार मध्य प्रदेश के अंदर फिर इस बार भाजपा सरकार ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनेगी। अंतिम समय में मैंने आशीर्वाद लेकर के मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।